हम आते हैं सीधे मुद्दे पर, अखिलेश यादव के बयान पर। अखिलेश जी जिस तरह से देखिए, अखिलेश जी मेरे साथ भी हैं, तो अखिलेश जी जिस तरह से आज आपके जो मीत भाई कलिंदाम स्वनामधारी आपके नाम के साथ जिनका नाम जुड़ा हुआ है, आज एक बयान आता है, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें इस बयान का क्या मतलब है राजनीतिक हिसाब से देखें। जो उनका अखिलेश जी का जो बयान है उसमें बड़ा नपा तौला बयान हालांकि उन्होंने दिया है, लेकिन इसकी शुरुआत तो उसी समय से हो गई थी जब इस पर चर्चा शुरू हुई थी और नोटबंदी लगाए गए थे। मौलिक रूप से उन्होंने दो तीन बातें कही है और बड़ा हैमत किया उन्होंने, मोदी गवर्नमेंट पर बड़ा हमला है ये। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज़ाद भारत का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी घोटाला है। अब इसके पीछे जो उन्होंने जो बात कही है, जो आंकड़े दिए हैं, और आंकड़े वो चूंकि पब्लिक डोमेन में है, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि भाई अभी भी इकनॉमी में जो 33 लाख करोड़ रुपये चलन में है कि करेंसी मूल्य की करेंसी जो है चलन में, तो जाहिर सी बात है जिस ख्याल से नोटबंदी की गई कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, या मान लीजिए कि जो भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, तमाम तरह की उसमें बातें कही गई, तो ये सब तो कुछ दिखा नहीं। आतंकवाद भी जारी है, डिजिटलाइजेशन की जहाँ तक बात है तो अभी भी अधिक से अधिक लोग जो है पैसा के जरिए ही काम कर रहे हैं। और सबसे अहम सवाल ये है कि इस देश में, खासकर भारत जैसे देश में जहाँ पर गरीबी है, अभी एक बिहार के उदाहरण को भी आप देखे लेकर तुझे पता चल जाता है कि भारत सरकार के आंकड़ों में अभी 22 से 24% गरीबी की बात की जाती है, बिहार का जो आंकड़ा आया है उसमें 34-35% गरीबी की बात आई है। तो मोटा मोटी अगर रेशियो निकाला जाए तो देश की हालत यही है। ऐसी हालत में देश के अधिकांश लोग आज भी रुपयों के जरिए, करेंसी के जरिए ही कारोबार करते हैं। अब अखिलेश यादव का जो हैमरिंग है, जो उनका जो दावा है, या उनका जो बयान है, जो इल्जाम है, वो साफ तौर पर ये है कि भाई ये बहुत बड़ा घोटाला है। लेकिन इसमें मजे की बात ये है कि इस घोटाले की जाँच करेगा कौन? अगर जब तक अगर ये सरकार रहती है तो इस घोटाले की जांच तो कोई करेगा नहीं। पहले भी कांग्रेस जैसी पार्टी भी इस पर हैमर कर चुकी है, इल्जाम लगा चुकी है कि बहुत बड़ा घोटाला है आजाद भारत का। लेकिन हमें लगता है कि नोटबंदी जिस ख्याल से प्रधानमंत्री ने किया था उसकी जांच जरूर होनी चाहिए। आज भी ये पता नहीं चल पाया कि नोटबंदी आखिर क्यों की गई थी और उसके वास्तविक परिणाम इस देश को क्या मिले, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था नोटबंदी के दौरान कि अगर 50 दिन का हमें टाइम दीजिए, अगर नोटबंदी के जो लक्ष्य रखे गए हैं वो पूरा नहीं होते हैं तो देश की जनता हमें जो भी सजा देना चाहती है सजा दे सकती है। वो बातें तो देश की जनता भूल गई। प्रधानमंत्री भी वहीं अभी हैं, प्रधानमंत्री अभी भी राजनीति करते दिख रहे हैं। ऐसे में नोटबंदी का जो सार्थक लक्ष्य था, उस लक्ष्य की पूर्ति क्या इस देश को हुई या नहीं हुई, उस लक्ष्य को पूरा करने में क्या केंद्र सरकार पूरा माने लाभान्वित हुआ या नहीं हुआ, यह एक जांच का विषय है। और इसमें जो है अब जब तक जो है सरकार बदलेगी नहीं, सरकार बदलेगी तो हो सकता है जिसकी नई सरकार बने तो वो इसकी जाँच कराए। इसलिए ये अखिलेश यादव का जो मौजूदा बयान है, हालांकि ये 5 राज्यों के चुनाव के मकसद से ये बयान दिए गए हैं, लेकिन हमें लगता है कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उस चुनाव में भी जहां भ्रष्टाचार का सेगमेंट उठेगा उसमें यह नोटबंदी भी एक बड़ा मुद्दा के रूप में विपक्षी पार्टियां या इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई पार्टियाँ उठाएगी। उसमें मुद्दा है, चूंकि मुद्दा पर चर्चा जो है, मुद्दे पर बहस चल रही है, चर्चा भी चल रही है पूरे देश भर में, अब तक चल रही है, क्योंकि कई सवाल हैं उसमें। अगर आप 500 और 1000 रुपये का नोट का प्रचलन बंद कर देते हैं, उनको अवैध घोषित करते हैं, उसके बाद थोड़े ही दिन के बाद 2000 का नोट प्रचलन में आ जाता है, तो किस सोच के आधार पर आपने 1000 रुपये का नोट अवैध ठहराया और 2000 का नोट चलन में आ गया? अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जिस देश में छोटे रुपयों का, जो 1 रुपया 2 रुपया, सर आपके पास आऊँगा मैं और जानूंगा, क्योंकि आपके ज़माने में भी शायद वो आना पैसा ये चलता होगा, हालांकि 2 पैसा 1 पैसा 5 पैसा हम लोगों ने भी चलन में देखा है,
अभी दो दिन पहले जब हम लोगों के सीएमडी सर प्रेम सर जब रांची जा रहे थे तो उन्होंने एयरपोर्ट के रास्ते में मेरे को 2 रुपये का नोट दिया जी। ये आज का जनरेशन नहीं जानता जी। इस 2 रुपये के बारे में और 1 रुपये के बारे में आज का जनरेशन नहीं जानता जी। अब ये एक बहुत बड़ा घोटाला है छोटे रुपयों को चलन से गायब करना जी। छोटे रुपयों को चलन से गायब करना, आपने देखा होगा कई वस्तुओं पर MRP लिखा रहता है 10 रुपया 62 पैसा जी जी। और आपको भुगतान कितना करना पड़ता है 11 रुपया। तो वो क्यों करना पड़ता है? छोटा सिक्का, ये छोटे सिक्के और छोटे नोट चलन से बाहर कर दिए गए। अगर आपके पास 1 रुपये का नोट नहीं है और 11 रुपया किसी चीज़ का है तो आप 15 रुपया दे करके आ जाते हैं क्योंकि आपके पास वो पैसा नहीं है। तो ये चलन से गायब है ये सारी चीज़ें। 2000 का नोट भी अब चलन से रोक दिया गया। ये जो लगातार जितनी ये सरकार जो कर रही है लगातार, ये क्यों जो और मौजूदा अर्थव्यवस्था की स्थिति है जो स्थिति है उस पर आपका क्या आकलन है? आपने देखा है आधा आना रांगा का पैसा वो चलता था, 1 आना 2 आना ऐसे 16 पैसा तो 16 आना 16 आना मैंने छेद वाला पैसा हाँ के बाद पैसा डबली पैसा अधन्ना 91 92 94 98 ये उस वक्त की मुद्रा थी 1 रुपये से नीचे की मुद्रा थी। लेकिन आज के बैंड पे जहाँ अखिलती ने अपनी बात समाप्त की थी मैं उस पर भी प्रकाश डालना चाहूँगा कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा हुई थी और प्रधानमंत्री ने 50 दिन का समय मांगा था। आज 50 महीने से ज़्यादा का समय गुजर जाने के बाद ये सवाल प्रधानमंत्री से करने के कई अवसर आए तो उस समय क्यों नहीं किए गए? क्या ये सही समय का चुनाव किया गया इंडिया एयरलाइंस की ओर से? 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में जो इंडिया एयरलाइंस की मीटिंग हुई थी उसमें शायद इंडिया एयरलाइंस ने अपना एजेंडा भी तय किया था और शायद क्या निश्चित ही एजेंडा तय किया था। उस एजेंडे में ये भी शामिल था कि विधानसभा के जब चुनाव होंगे तो उसमें भोपाल में इंडिया एयरलाइंस की में सम्मिलित पार्टियों के नेता वहाँ पर भाषण देंगे। उसमें नीतीश कुमार भी थे, अखिलेश यादव भी थे, मैं सबका नाम नहीं ले रहा, निश्चित ही राहुल गांधी तो थे ही। तो जिन मुद्दों पर आज चर्चा बहुत प्रभावशाली ढंग से हो रही है उसके अंदर हाल ही में नीतीश कुमार जी ने जातिगत जनगणना के बाद जो एक रिजर्वेशन में बढ़ोतरी की है तो कहीं ना कहीं ये दलित बैकवर्ड OBC कार्ड को भारतीय जनता पार्टी के हाथों से छीनने का एक प्रयास है। दूसरा अब अगला ये चुनावी एजेंडा लगता है कि अखिलेश जी ने जो कहा नोटबंदी सही समय है, भ्रष्टाचार और नोटबंदी दोनों जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता गई फिर वापस गई, वो उन्होंने पदयात्रा की, भ्रष्टाचार का मामला वो बराबर उठाते रहे। इस बीच में कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला मध्य प्रदेश में कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की विचारधारा में कहीं ना कहीं या पार्टी के टिकटों पर बंटवारे को लेकर कुछ ऐसा लग रहा है कि इंडिया अलायंस के बीच में दरार पड़ती नजर आ रही। क्या उस खाई को काटने के लिए अखिलेश यादव जी ने सही समय का चुनाव करते हुए ये बात कही कि नहीं विचारधारा के एतबार से इंडिया एयरलाइंस एकजुट है और उन्होंने ये भी कहा था कि इंडिया एयरलाइंस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा? तो मैं इसे एक चुनावी मुद्दे के तौर पर भी देख रहा हूँ। जिस तरह जातिगत जनगणना और उसके बाद में फिर रिजर्वेशन में इजाफा ये मुद्दा है, ये भी एक और मुद्दा है वरना कई अवसर पर जब स्पष्ट रूप से चर्चा की जा सकती है। तो ये मुद्दा है, चर्चा हो रही है, सियासी मामला है और इसलिए चुनाव का वक्त है तो सियासी मामले और सियासी बयान ज़रूर आते हैं, ये मानना है बर्नी साहब का। लेकिन जो सच्चाई है, अगर हम छोटे नोटों का तो चलन, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था इससे पहले, तो जो चलन में छोटे नोट नहीं आ पाते, बड़े नोटों को भी बंद करने का जैसे 1000 2000 ये बंद हो रहा है। अब जो चूंकि महंगाई छोटे नोटों का चलन अब कोई महत्व इसलिए नहीं है कि 2 रुपये में कुछ मिलना नहीं है,
एक रुपए में कुछ मिलना नहीं, हालांकि सिक्का चल रहा अभी, वो केवल उसके जुगाड़ के लिए कि आपको जहां खुदरा पैसा देना है तो वो सिक्का एक का दो का बीस का दस का आ गया है, लेकिन नोटों का चलन बाहर है और वो क्वाइन भी धीरे धीरे कोई अब लेता नहीं। जो नए वाले सिक्के बने हैं आप देखेंगे दिल्ली NCR में, वो छोटे वाले सिक्के चलते नहीं, वो भारत सरकार का ही बनाया हुआ है, उन्हीं के टकसाल में बना हुआ है, लेकिन उसको लोग नहीं लेते। अब उसके पीछे क्या कुप्रचार है, क्या स्थितियाँ हैं, विपरीत परिस्थितियाँ हैं, लेकिन ये सियासी मुद्दा जो 5 साल पहले राज्य सरकार ने जो कदम उठाया नोटबंदी का, नोट बंद किए गए 1000 और 500 के, 5 साल के बाद भी अगर ये मुद्दा चुनावी मुद्दा बना हुआ है, इसका मतलब कि देश की एक व्यापक आबादी जो है, एक जो जनता है, वो कहीं ना कहीं इस 5 साल के बाद भी उस दर्द को महसूस कर रही है। अखिलेश जी, ये दर्द जो है वो आम जनता का दर्द है या इस दर्द को राजनेता ही बढ़ावा दे रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो देखिए, ये आप जब इस पूरे प्रकरण को आप रिसर्च के रूप में देखेंगे तो नोटबंदी के मामला में घाल बिल है, ये तो एक क्लियर बात है। अब जो है ना, दर्द की जहाँ तक बात है तो ये देखिए, जनता को अभी वर्तमान में या पहले भी उसका प्रभाव चाहे जो भी जितना पड़ा हो, जितनी उन्होंने कष्ट झेला, लाइन में लगे, कितने लोगों की मौत हो गई, वो तमाम तरह, कितनी शादियां टूट गई, कट गई, वो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन देखिए, ये नोटबंदी का जो इकोनॉमी का जो प्रोसेस है उसमें कुल मिलाकर कहानी ये है, या कैसी नोटबंदी थी कि आप बड़े नोट को चलन से बंद भी करते हैं, उसे बड़ा नोट आप पुनः ले आते हैं, वहीं पर समझिए कि सबसे बड़ा घालमेल वहीं हुआ था कि 500 और 1000 के नोट को आपने बंद किया और तत्काल जो है आपने 2000 का नोट ले आया, और लाने के बाद क्या हुआ, देखिए कि वह 2000 का नोट पिछले साल डेढ़ साल से वो फिर ब्लैक मनी का शिकार हुआ नोट, और लोग जो है पकड़े गए हैं, देश में हर जगह दिखाई पड़ा है वो नोट जो है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार की मंशा अगर ठीक थी इसके पीछे, तो इस तरह के भ्रष्टाचार जो सामने आए, नोट पकड़े गए, करोड़ों अरबों के नोट पकड़े गए हैं, फिर उसके जाली नोट भी बनने लगे, तो सरकार की मंशा तो वहीं पर साफ हो गई कि जो आप कहते हो वो दिखाई पड़ता नहीं है, और आप क्या कर रहे हो खुद आपको पता नहीं है। तो ये पूरा प्रकरण जांच का विषय है। ये बात अलग है कि इस नोटबंदी के मसले पर अदालत में भी मामला गया, लेकिन अदालत इस पर बहुत बड़ा कोई निर्णय नहीं ले पाया, चूंकि उसको कई तरह के मामले से जोड़ कर देखा गया, सुरक्षा का मामला जब जहां पर होता है तो अदालत भी समझिए कि वहां पर फिर अपना मौन हो जाता। लेकिन इसमें देखने की बात यह है कि इस नोटबंदी ने लोगों को तो मर्माहित किया है, और इस नोटबंदी का सबसे ज़्यादा लाभ कॉरपोरेट और पॉलिटिशियंस को मिले हैं, और आज जो चुनाव होते हैं, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, या भविष्य में, ये सारे के सारे नोटबंदी के पैसे हैं, और नोटबंदी के पैसों से ही बहुत सारे पॉलिटिशियन अपने बहुत सारे निर्माण का भी काम किए हैं, बहुत सारे दफ्तर खोले गए, ये तमाम चीज़ें इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। तो ये बातें जो है इसकी मुकम्मल जांच होनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसकी जांच कौन सी एजेंसी करेगी कि मुकम्मल जांच सामने में आएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जब तक हल नहीं होगा तब तक नोटबंदी कटघरे में खड़ा रहेगा, मोदी सरकार पर सवाल उठते रहेंगे। जिस तरह से अखिलेश जी कह रहे थे, घटना याद आ रही है, कहीं चर्चा हो रही थी और ये लोग बता रहे थे कि नोट बंदी के बाद भी, जैसे जो सरकार ने तारीख तय की थी कि इतने दिनों तक बैंक के अंदर पैसा आ जाना चाहिए, RBI के संज्ञान में आ जाना चाहिए, हालांकि काफ़ी दिन तक वो नोट लोकल बैंक के चेस्टों में पड़े रहे, उसके बाद भी कई बड़े औद्योगिक घराने के नाम पर नोट बदलने का काम होता रहा और उसमें भी खेल हुआ। अगर आप 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं तो आपके बदले उसको 30 लाख रुपया मिल रहा है, 20 लाख, 70% वो ले जा रहे हैं ऐसे ही। अब वो उसके बाद कैसे चेंज हो रहा है, और अभी हाल फिलहाल तक अभी भी कई लोग मिल जाते हैं कि बदलवाना हो तो खैर ये एक अलग चीज़ है। अभी 2000 जब बंद किया गया तो उसमें भी ये खेल चल रहा था, लेकिन कौन सी कंपनी कर रही है, उसमें 3 कंपनियों केवल नाम आता भाई चेंज करने वाले ये लोग हैं, तो वो पैसा जो मार्जिन मनी जा रहा है वो कहाँ कहाँ जा रहा है, इसको तो आपने जो कहा कि इसकी जाँच कौन सी एजेंसी करेगी, तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम क्या दिखता है आपको, स्कैम है या केवल राजनीतिक मुद्दा है? नहीं, केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है, तथ्यों पर आधारित भी है। जैसे तेल की का स्टाम्प घोटाला था,
जो बाद में होगा सामने आया उसका पूरा आपको मालूम होगा, कि नोटबंदी का जिस वो चर्चा अभी अखिलेश जी ने की। नहीं, इसमें इन्वॉल्वमेंट भी है, इसमें देखिए ये जो है ना सरकारी तंत्र, मैं ये नहीं कहता कि प्राइम मिनिस्टर की भूमिका इसमें बड़ी निष्पक्ष हो सकती है, उनकी मंशा साफ हो सकती है, जो भी हो, लेकिन पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट और ये कॉरपोरेट हमेशा किसी चीज़ का लाभ उठाते हैं, समय का, उस समय की व्यवस्था का, जो तकनीक या रणनीति या नीति बनती है उसका पहला लाभ वही लोग उठाते हैं। और वो लाभ उठाने के पीछे का कारण ये है कि उनको जानकारी पहले रहती है जी। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है और देश का मामला है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं उसी दिशा में आगे बात कर रहा था कि जो उद्योगपतियों को इसका लाभ पहुँचा वो एक जांच का विषय है, लेकिन आम जन का, यहाँ तक कि हमारी गृहणियों के जो बचत का पैसा दाल चावल के डब्बे में रहता है वो तब सब निकलकर बैंक में जमा हो गया, तो आम आदमी को इससे परेशानी तो हुई। और उसके बाद फिर जब आप देखेंगे तो 2000 का नोट जो प्रचलन में आया, सबसे ज़्यादा ईडी के छापों में वही नोट बरामद हुए। इसका मतलब ये नोट का प्रचलन आम आदमी के पास तो 2000 का नहीं था, लेकिन जिन पूंजीपतियों के पास या घूसखोरों के पास या जो ब्लैक मनी संग्रह कर रहे थे उन्होंने 2000 के नोट को हाथों हाथ लिया और आज वही सब ब्लैक मनी के रूप में ईडी के मार्फत वापस आ रहा है। अब ये नोट जा कहाँ रहा है और इसका उपयोग क्या होगा, क्योंकि प्रचलन से तो 2000 का नोट बाहर है, तो क्या वो नोट अब रद्द कर दिए गए हैं, प्रचलन में नहीं आएंगे जो ईडी के छापों में नोट बरामद हुए हैं, या वो किसी न किसी स्तर पर अभी भी बाकी हैं और काम में है? जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, एक चूंकि मंशा भी आपने ठीक कहा, सरकार की मंशा 1000 रुपया जो 1000 रुपये का नोट बंद करने की हुई वो इसी सोच को लेकर के हुई कि काला बाजारी या ब्लैक मनी जो लोग स्टोर कर रहे हैं कैश के रूप में अपने गोडाउन में और अपने तमाम जगहों पर, आपने देखा हो कई अधिकारियों के दीवान से जो बेड होता है उसके दीवान से, किसी के बाथरूम के ऊपर सीलिंग से, तो तमाम कई जगहों से रिकवरी होता रहा, तो उसको उस गरज से बंद करने का फैसला किया गया। लेकिन अब उसके उलट देख लीजिए कि 2000 का नोट प्रचलन में आ गया, तो ये किस उद्देश्य से हुआ? दो जब 1000 को जिस मंशा से आप बंद कर रहे हैं फिर दूसरा, तो ये कई तरह की विसंगतियां सामने देखने को मिली हैं। और हमारे दोनों जो वरिष्ठ सहयोगी हैं उनको ये है कि जांच मामले की होनी चाहिए, लेकिन जांच कौन करेगा ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल को यहीं छोड़ते हुए, क्योंकि आज की चर्चा को समय वक्त हो चला है, तो यहीं विराम देते हैं, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। आप जुड़े रहिए लाइव 7 के साथ। नमस्कार।